very good morning to all of you. In this class I am going to start with another important topic or another important question which is asked in previous board exam in 2019, and 5 marks of question asked from the chapter organisms and population. And the question is asking about describe the logistic growth model of population along with a suitable curve. Why this curve more realistic? So reason पूछा जा रहा है. And also they are asking, the question is asking about the logistic growth. As we already know, there are two type of growth models: exponential growth model or logistic growth models. In exponential growth model, the exponential growth model कहीं भी exist नहीं करेगा, because the exponential, in the exponential growth model there is unlimited, if the unlimited resources are present, the population can grow with their full efficiency. But this type of conditions generally not found in the population or in real population, because there is no any condition in which the unlimited, or there is no any habitat or population in which the unlimited resources are present for the exponential growth. When the unlimited resources are present, the population can grow with their full efficiency, they reproduce with their full efficiency, and finally there is no any foundation of controlling the particular population, because क्योंकि उन्हें struggle नहीं करना होगा, और there the unlimited resources are present, unlimited रिसोर्सेज होने की वजह से वहाँ पे कोई उन्हें बाउंड करने वाला नहीं है, बिकॉज क्योंकि वो उन्हें खाने के लिए अपने हैबिटेट के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज इन दैट क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा है तो कंपटीशन नहीं होगा. और फाइनली सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो डार्विन ने दिया था, तो उस हिसाब से भी वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑल द स्पीसीज हैव फुल देयर in the full amount of resources in their environment, so that species which are not so strong, they also grow in the presence of unlimited resources. तो जो एक according to the Darwin only वही species आगे जाएगी जो strong होंगे, वो rule भी follow नहीं होगा. तो exponential growth generally मिलता नहीं है अगर unlimited resources, ये बस hypothetical मॉडल दिया गया, अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो जाए तो क्या होगा. बट इन द केस ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ ये रियलिस्टिक क्यों है, क्योंकि यही हमें हर पॉपुलेशन में लॉजिस्टिक ग्रोथ ही देखने के लिए मिलती है. जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अगर ज्योग्राफिकल एरियाज के से देखा जाए, तब भी ज्योग्राफिकल एरिया भी उनके पास लिमिटेड है, और फिर देन कैरिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन देयर पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, इन विच बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी नो एनी पॉपुलेशन कैन ग्रो बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी. द कैरिंग कैपेसिटी इज अ मार्जिन फ्रॉम विच कंट्रोल द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल इन ए पॉन्ड, इफ देर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पॉन्ड इज 900 फिशेज, सो नो पॉपुलेशन कैन एक्सटेंड बियॉन्ड द 900 स्पीसीज. मतलब 1000 स्पीसीज नहीं हो सकती है, उससे पहले ही या तो रिसोर्सेज, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी नहीं. एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो इन जो रिप्रोडक्शन है वो खुद ही डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देयर इज अ कंपटीशन, देयर आर प्रीडेटर्स, सो दैट ऑल दीज फैक्टर्स एंड नेचुरल डिजास्टर इज ऑल्सो प्रेजेंट the environment. If any species grows beyond the carrying capacity or very close to the carrying capacity, then natural disaster के वजह से then जो particular species हैं, the number of species decreases within
नंबर, और नंबर के अकॉर्डिंग वो डिक्रीज करने लग जाएंगे, बिकॉज क्योंकि बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी के बाद कोई भी स्पीसीज ग्रो नहीं कर सकती है. इफ देयर इन ए पॉपुलेशन, इफ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली, हियर इज 900 इज अ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन, 900 ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन, दैट इज फिश पॉपुलेशन. फिश पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, इन ए पॉन्ड, हियर इज पॉन्ड, पॉन्ड की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके 900 के बियॉन्ड कोई भी स्पीसीज ग्रो नहीं कर सकते या फिशेज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज अब इन ए पॉपुलेशन, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से ये इसके बियॉन्ड ग्रो नहीं कर सकते. अगर करेंगे भी तो नेचुरल डिजास्टर खुद ही आएंगे, एंड दे ओवरऑल डिक्रीज द नंबर ऑफ स्पीसीज, सो दैट यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज फिर से डिक्रीज होने हैं, जस्ट मे बी हाफ से ज्यादा हो, बट फिर से पॉपुलेशन ग्रो करना स्टार्ट होगी. देन जैसे ही ये क्लोज पहुंचेंगे कैरिंग कैपेसिटी के, फिर से कोई नेचुरल डिजास्टर या जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे, सो दैट इसके बाद कोई भी स्पीसीज ग्रो नहीं करेगी. यहीं पे लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट मीन्स ये जो भी अवेलेबल न्यूट्रिशंस हैं पॉन्ड्स में, तो वो उनके लिए कम पड़ने लगेगा और वो प्रीडेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर अपने आप पे एक दूसरे पे फीड करने लग जाएंगे, और जिससे कि ये जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाएगी. तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लॉजिस्टिक ग्रोथ. तो लॉजिस्टिक ग्रोथ इज ए रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द दिस मॉडल, इसके अकॉर्डिंग कोई भी पॉपुलेशन, नो एनी पॉपुलेशन कैन ग्रो बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी, बिकॉज इन ए गिवन पॉपुलेशन देर इज लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इन द लॉजिस्टिक ग्रोथ. नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट द ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, हियर इज अनदर की पॉइंट, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी. बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी, बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी, नो एनी पॉपुलेशन कैन ग्रो. कोई भी पॉपुलेशन इसके बियॉन्ड ग्रो नहीं कर सकती, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय के. कैरिंग कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय के. सो के से डिनोट किया जाता है कैरिंग कैपेसिटी को. अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ मॉडल, अगर ग्रोथ मॉडल की बात देखें, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे और बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी के, बियॉन्ड कोई भी स्पीसीज ग्रो नहीं कर सकते, कोई भी पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर सकता है कैरिंग कैपेसिटी के बाद. एंड दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल of survival of fittest. According to the survival of fittest, only those species can survive, those are strong as compared to other species. तो किसी भी population में कोई particular species है तो उस species के वही individual सर्वाइव करेंगे जो फिट होंगे उस एनवायरनमेंट में,
रहने के लिए अडॉप्ट कर चुके होंगे और फिट होंगे, स्ट्रांग होंगे. ओनली दोज एनिमल्स कैन लिव इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया और गिवन पॉपुलेशन, और दोज विच आर नॉट सो स्ट्रांग और जो बीमार भी होंगे और इल भी होंगे और बीमार होंगे और ऐसे जो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, वीक होंगे, वो क्या होंगे, उसी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब नेचर भी उन्हें चुनेगा जो स्ट्रांग होंगे, अदरवाइज जो स्ट्रांग नहीं है वो वहीं पे वो या तो डाई कर जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे और वेदर. तो ओनली दोज स्पीशीज विच आर स्ट्रांग, ओनली दोज कैन सर्वाइव, अदरवाइज अदर स्पीशीज विच आर नॉट सो स्ट्रांग और नॉट सो फिट इन ए गिवन पॉपुलेशन, गिवन एनवायरमेंट एंड नॉट जनरली अडॉप्टेड फॉर द एनवायरमेंट, सो दैट दे बिकम डाई और नेचर didn't select them for the reproduction. तो reproduction करने के लिए भी एक strong species nature select करते हैं. तो किस पे, तो strong जो species होगी वही survive करेगी, otherwise species स्ट्रॉन्ग स्पीसीज ही सर्वाइव कर सकती है, अदरवाइज अदर जो स्पीसीज हैं आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन ए गिवन पॉपुलेशन बिकॉज नॉट दे आर नॉट सो अडेप्टेड फॉर द इन द एनवायरमेंट, इन ए गिवन एनवायरमेंट, एंड दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रांग भी नहीं है और वो अडॉप्ट भी नहीं किए हैं, तो नेचर रिजेक्ट देम, दैट काइंड ऑफ स्पीसीज आर रिजेक्टेड बाय द नेचर. तो नेचर ने ही खुद रिजेक्ट कर दिया ऐसी स्पीसीज को, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उस एनवायरमेंट में दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन दैट गिवन एनवायरमेंट. तो नेक्स्ट इज हाउ वी रिप्रेजेंट द लॉजिस्टिक ग्रोथ विद द फॉर्मूला और डिनोटेड बाय द फॉर्मूला, दैट इज डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस. यहाँ पे क्या होगा, द डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू आर एन, वेयर आर इज इक्वल टू और एन इज इक्वल टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी. तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट, वेयर आर इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज. तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन जो इंक्रीज करती है उसकी इंट्रिंसिक रेट, बी माइनस डी मतलब कि टोटल बर्थ कितने हुए हैं, देन टोटल डेथ कितनी हुई है, अगर हम कैलकुलेट माइनस कर दें टोटल बर्थ में से टोटल ग्रोथ, रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला dt is equal to rn or k minus n by k. So and where r is equal to intrinsic rate intrinsic rate of natural increase intrinsic rate of natural increase n is equal to population density time t and k is equal to carrying capacity तो हियर इज द फॉर्मूला ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ. अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक ग्रोथ, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देयर इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और ऑल्सो प्रेजेंट, ओनली दोज स्पीशीज कैन सर्वाइव, दोज स्पीशीज कैन सर्वाइव इन एंड रिप्रोड्यूस इन ए गिवन पॉपुलेशन और गिवन एनवायरमेंट हैबिटेट. Those are strong and those are weak generally die.
आफ्टर गिवन इन ए गिवन टाइम, और क्या होगा, नेचर ओनली सेलेक्ट दोज स्पीशीज दैट स्पीशीज दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू एंड दे आर अडॉप्टेड फॉर ए अडॉप्टेड इन ए गिवन पॉपुलेशन. सो अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ओनली दोज स्पीशीज कैन सर्वाइव, अदरवाइज अदर जो स्पीशीज है वो डाई कर जाएंगे विद ए गिवन टाइम. नाउ एंड ऑल्सो बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ड्यू टू द रिसोर्सेज लिमिटेड नो एनी पॉपुलेशन कैन ग्रो बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी. सो बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी के से कोई भी पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर सकती है बिकॉज नेचर ओनली नेचर डिक्रीजेज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन विथ डिक्रीज इन नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट इन ए गिवन पॉपुलेशन. सो दैट इज द नंबर डिक्रीजेज बाय द डिक्रीजेज बाय द नेचर और डिक्रीजेज बिकॉज क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैन द हर एक ऑर्गेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर बिकॉज दे प्ले अ की रोल इन ए गिवन पॉपुलेशन की रोल इन ए गिवन फूड चेन. फॉर एग्जाम्पल द नेचर द नंबर ऑफ टर्शरी कंज्यूमर्स एज लॉयंस और टाइगर्स आर नेचर डिक्रीज देर. हमने पिरामिड के अकॉर्डिंग भी देखा है कि टर्शरी कंज्यूमर्स के नंबर कम होते हैं. सो बिकॉज नेचर उन्होंने कम नेचर ने खुद कम कर दिया है बिकॉज अगर उनका नंबर इंक्रीज कर जाएगा तो जो अदर ऑर्गेनिज्म है बिकॉज वो कार्निवोर्स हैं सो दैट अदर ऑर्गेनिज्म बिकम डिक्रीजेड और कम जो वो है अदर ऑर्गेनिज्म है वो इन डेंजर हो जाएंगे क्योंकि जो टर्शरी कंज्यूमर है वो उन पे फीड कर रहे हैं. तो सो ओवरऑल ऑल नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेस विद डिक्रीज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्शरी कंज्यूमर. सो नेचर ने उन्हें खुद कम करा है. फॉर एग्जांपल इस स्नेक के कंपेयर से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ स्नेक्स जनरली वो कम होते हैं और जो जितने भी हार्मफुल या पॉइजनस स्नेक है दे आर ऑल्सो वेरी लेस और फ्यू इन नंबर बिकॉज दे आर डेंजरस फॉर अस. तो नेचर ने उनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं रखा है लॉजिस्टिक. वैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में लॉजिस्टिक ग्रोथ ही देखने को मिलता है बिकॉज नो एनी स्पीसीज कैन ग्रो बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज द नंबर ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म और एवरी स्पीसीज आर वेरी स्पेसिफिक एंड किसी भी स्पीसीज का नंबर हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हाई भी हुआ तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे अदर फॉर द अदर स्पीसीज के लिए. एंड सो दैट द नंबर्स आर द टर्शरी कंज्यूमर्स एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स आर लिमिटेड टू ग्रोथ ऑफ डिफरेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड which are generally important in the and play also play a key role in the food chain or environment or so the here is the अगर हम logistic growth के लिए curve अगर बनाए तो curve हमें कैसा दिखाई देगा. for the logistic growth हमें sigmoid curve मिलेगा logistic growth के लिए because वो बियॉन्ड द जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में हमें जे शेप कर्व मिलता है बिकॉज देयर रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज ड्यू टू द अनलिमिटेड रिसोर्सेज नो एनी कंपटीशन अकर इन ए पॉपुलेशन और वहां पे कोई भी कंपटीशन नहीं होगा. सब आर दे रिप्रोड्यूस विद देयर इननेट इम्यूनिटी इननेट इफिशियंसी के साथ वो रिप्रोड्यूस करेंगे सो दैट द नंबर ऑफ गिवन पॉपुलेशन इंक्रीजेस विद द टाइम. इफ वी ड्रॉ अ कर्व ऑफ फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ इन ए गिवन टाइम दैट इज टाइम टी एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी
एंड हियर इज की हियर इज कैरिंग कैपेसिटी के के नाउ द हमें ग्रोथ कैसा मिलेगा, सिग्मोइड कर्व मिलेगा, दैट इज जो कैरिंग कैपेसिटी के पास तो पॉपुलेशन पहुंच जाएगा लेकिन इसके बियॉन्ड ग्रो नहीं करेगी, बिकॉज कैरिंग कैपेसिटी इज अ मार्जिन विच इज क्रिएटेड बाय द नेचर. सो दैट द इफ द कैरिंग कैपेसिटी इन ए गिवन पॉन्ड इज 900 द दे ओनली कंटेन द अप्रोक्सीमेटली द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिश प्रेजेंट इन द, अगर वो कितने नंबर ऑफ फिशेस को सर्वाइव कर सकते हैं इन द पॉन्ड, दैट इज 900. द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पॉन्ड इज 900, दैट इज लिमिटेड, इसके बियॉन्ड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर इसके बियॉन्ड, अगर कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड कोई भी नंबर ऑफ स्पीसीज अगर ग्रो कर जाती हैं तो नेचुरल डिजास्टर खुद ही आएंगे, जिसकी वजह से नेचर उन्हें खुद कंट्रोल करेगा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट लगेगा, कंपटीशन होगी और प्रीडेटर प्रीडेशन करने लग जाएंगे, तो इसके वजह से जो नंबर है वो लिमिटेड वापस से लिमिटेड में आ जाएगा. दैट इज कि अगर नंबर ऑफ फॉर इन ए गिवन पॉन्ड अगर नंबर ऑफ स्पीसीज 900 ही हो जाए, या इसकी कैरिंग कैपेसिटी दैट ओनली 9 अगर 100 से कम रहेंगे तभी ये पॉन्ड स्टेबल रहेगा. इसमें नंबर ऑफ फिशेस अगर 900 से, बिकॉज कैरिंग कैपेसिटी इज 900 के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, इससे कम ही रहेंगे तभी ये पॉन्ड स्टेबल रहेगा, अदरवाइज अगर इसके बियॉन्ड जाते हैं तो अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड और लिमिटेड रिसोर्सेज में सर्वाइव करना, फॉर एग्जांपल अगर पर्टिकुलर एक फिश और या वन फिश अगर 10 सेंटीमीटर की वन फिश अगर अपने हैबिटेट के लिए 20 सेंटीमीटर का एरिया कवर करती है, या स्क्वायर मीटर का एरिया अगर सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया अगर कवर करती है, तो उसके बियॉन्ड फॉर एग्जांपल स्पेस भी उतना रहना चाहिए इस पॉन्ड में कि ये 900 फिशेस वो पर्टिकुलर उतना एरिया या हैबिटेट उनको दे सके. अगर वो नहीं दे पाएंगे, पॉन्ड अगेन नहीं कर पाता है, तो वो क्या अनस्टेबल पॉन्ड हो जाएगा. तो अनस्टेबल पॉन्ड में फिर वो अपने हैबिटेट के लिए फाइट करेंगे, कंपटीशन करेंगे, अपने शेल्टर के लिए कंपटीशन होगा, अपने फूड के लिए कंपटीशन होगा, द ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल, एक्चुअली में वो सभी रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होने लग जाएगा, एंड फाइनली द पॉन्ड बिकम हाईली अनस्टेबल पॉन्ड हो जाएगा. और इसे कंट्रोल करने के लिए 900 के बियॉन्ड नहीं जाए, इससे पहले ही इस पॉन्ड में क्या लिमिटेड रिसोर्सेज कर दिए जाते हैं कि बियॉन्ड इसके कोई भी फिश रिप्रोड्यूस ना करे या नंबर ऑफ फिशेस इंक्रीज ना हो, तो रिप्रोडक्शन नंबर, सर्वाइवल नंबर ये सभी कम हो जाएंगे, तो इसके वजह से जो अदर स्पीसीज है वो ग्रो करे, और अदर स्पीसीज सिर्फ पॉन्ड में फिश लाइव नहीं रह सकती है, अदर जो की रोल प्ले करते हैं प्लांट्स हैं, एल्गी, फंजाई, जू प्लैंकटॉन्स, फाइटोप्लैंकटॉन्स, दीज आर आल्सो इम्पॉर्टेंट इन ए पॉन्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज. तो एक अगर फिश तभी सर्वाइव कर पाएगी जब यहाँ पे जू प्लैंकटॉन एज वेल एज फाइटोप्लैंकटॉन्स भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होने चाहिए, देन एबायोटिक जो डिफरेंट एबायोटिक सब्सटेंस होते हैं वो भी प्रेजेंट होने चाहिए, तो तभी ये फिश सर्वाइव कर पाएगी, अदरवाइज फिश ही फिश अगर किसी भी पॉन्ड में रहेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. नाउ द सेकेंड इज वाई दिस कर्व इज मोर रियलिस्टिक, बिकॉज मोर रियलिस्टिक ये क्यों है, बिकॉज ओनली दे अप्लाई द ऑल रूल विच इज जनरली क्रिएटेड बाय द नेचर, दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस अप्लाइड इन द दिस लॉजिस्टिक ग्रोथ, वेयर एज इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देर इज नो सर्वाइवल ऑफ फिटेस, बिकॉज
सर्वाइवल ऑफ फिट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में देर आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, सो देन द पॉपुलेशन कैन ग्रो और रिप्रोड्यूस विद द फुल इफिशियंसी के साथ वो ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, सो दैट नंबर ऑफ पॉपुलेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल बिकम इंक्रीज इन ए गिवन पॉपुलेशन, सो दैट दे ऑल्सो क्रिएट द अनस्टेबिलिटी ऑफ द पॉन्ड. तो अनस्टेबल पॉन्ड हो जाएगा और वो जो स्पीसीज है वो डी जनरेशन की तरफ आ जाएगी, डी जनरेशन या इन डेंजर की तरफ आ जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज्यादा है उस गिवन पॉन्ड में, बिकॉज इन ए गिवन पॉन्ड दे रिप्रोड्यूस एक्सपोनेंशियली. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पॉपुलेशन में इसकी कैरिंग कैपेसिटी, अगर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ नहीं अप्लाई करते हैं और नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियली जे शेप हमें कर्व मिलता है इस पॉन्ड का, तब क्या होगा, 900 से 1000 फिशेस पहुंच गए, लेकिन ये कितने सर्वाइव कर सकते हैं, 900 ही ओनली सर्वाइव कर सकते हैं. तो अगर 1000 पहुंच गए और 1000 देन 2000, तो 2000 जा नहीं सकते, क्योंकि इसके बियॉन्ड, क्योंकि पॉन्ड का तो एक ज्योग्राफिकल एरिया एकदम स्पेसिफिक है, यहीं तक पानी है, ये इसके बाद नहीं जा सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. तो वो क्या होगा, नेचर खुद ही वो रियलिस्टिक नहीं हो पाता है, क्योंकि पॉन्ड फैलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, पॉन्ड जितना है उतना ही रहेगा. सीजनल में थोड़ी सी साइज बढ़ सकती है मे बी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवरऑल वो दिन पर दिन फिशेस के साथ पॉन्ड भी इंक्रीज करने लग जाए, तो ज्योग्राफिकल एरिया भी पॉन्ड का बढ़ता जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है. सो दैट द रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज ओनली लॉजिस्टिक ग्रोथ, बिकॉज ऑल दोज रूल्स विच आर क्रिएटेड बाय द नेचर आर जनरली अप्लाइंग ऑन द लॉजिस्टिक ग्रोथ, बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, दिस ऑल दिस फैक्टर विच सपोर्ट द लॉजिस्टिक ग्रोथ, नॉट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बिकॉज इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नो एनी रूल ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नो एनी रूल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एंड रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, जो हो नहीं सकता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज कभी भी नहीं मिलेंगे, वो लिमिटेड ही होते हैं. तो इस केस में लॉजिस्टिक ग्रोथ ही क्या है, वो रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, बिकॉज ऑल दोज रूल्स विच आर क्रिएटेड बाय द नेचर जनरली अप्लाई ऑन द लॉजिस्टिक ग्रोथ. इन द लॉजिस्टिक ग्रोथ देयर इज लिमिटेड ग्रोथ बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी, नो एनी पॉपुलेशन कैन ग्रो बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी. द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द लॉजिस्टिक ग्रोथ, in the logistic growth there is limited resources present and the survival of fittest also applied in the growth model, in the logistic growth model, because the only that those species can survive, those are very strong as compared to the other. Now the survival of fittest ke baad natural selection are also applied in the logistic growth. इसके बाद द कैरिंग कैपेसिटी इज प्रेजेंट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ, बिकॉज बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी इज अ मार्जिन विच क्रिएट द मार्जिन इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया. बियॉन्ड द दिस मार्जिन नो एनी स्पीसीज कैन ग्रो और नो एनी पॉपुलेशन कैन ग्रो बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी. सो दे लिमिट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए गिवन गिवन ज्योग्राफिकल एरिया. एंड इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द logistic growth, dn by dt is equal to rn k minus n by k, represented by the formula, and they also represent the curve. अगर curve को देखें तो हमें sigmoid curve मिलता है, जहाँ पे carrying capacity के बाद ये constant curve में convert हो जाता है, because beyond इसके carrying capacity के beyond growth हमें नहीं मिलती है. इसके parallel भले ही चलेगी कोई भी population, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाए, लेकिन इसके बियॉन्ड कोई भी पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू द थ्योरी. अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो हमें यही कर्व मिलेगा. और व्हाई दिस कर्व इज मोर रियलिस्टिक, बिकॉज यही कर्व हमें प्रेजेंट टाइम में देखने के लिए हर पॉपुलेशन में मिलता है, बिकॉज देयर इज अ कंपटीशन. हम ह्यूमन, इवन ह्यूमन पॉपुलेशन में भी देखें तो कंपटीशन है,
ओनली दोज स्पीसीज कैन सर्वाइव विच आर स्ट्रांग और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मिल जाता है हमें। अगर हम कोई अगर अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कोई भी पॉपुलेशन देखें, अगर हम डॉग की पॉपुलेशन देखें या काउ और गोट की पॉपुलेशन देखें, तो ओनली दोज स्पीसीज सर्वाइव कर पाएगी, दोज आर वेरी स्ट्रांग एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि उन्हें कंपटीशन करके ही अपने शेल्टर के लिए फाइट करनी होती है, अपने हैबिटेट के लिए फाइट करना होगा, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए फाइट करना होगा, तो ऑल दीज कंपटीशन में आ जाएंगे, निशे में आ जाएंगे, तो वो अपने निशे के लिए निशे भी आ जाता है वहीं पे, अपने सर्वाइवल के लिए वो कंपटीशन करेंगी दूसरे अपने ही पॉपुलेशन के दूसरे मेंबर से। तो ये हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ में देखने के लिए मिलता है। वही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिर्फ दो ही ग्रोथ मॉडल है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज, सो दे ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी भी पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए रोकता नहीं। जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट होंगे तो पॉपुलेशन ग्रो कैन ग्रो विद देयर फुल एफिशिएंसी, किस वो ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तो सो दैट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस विद द टाइम और सडन विद द टाइम। तो सडन इंक्रीज हमें देखने को मिलेगी और जो क्रॉस कर जाएंगे बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन ए गिवन प्रेजेंट नेचर। नाउ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे।